ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक तरफ बिहार और झारखंड समेत देश भर में चुनावी गहमा गहमी है, तो दूसरी ओर चौथे चरण के बाद अगले चरण का प्रचार भी जोर शोर से जारी है। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर हैं, हाजीपुर पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां एनडीए प्रत्याशी चिराग पासवान के समर्थन में चुनावी सभा में शामिल हो रहे हैं। तो इस सभा पे आपको सीधे लिए चलते हैं, चिराग पासवान चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। जो आप लोगों के बीच, हम लोगों के बीच घूम घूम कर भ्रम फैलाने का कार्य कर रहे हैं। कौन है ये लोग? ये वही लोग हैं जो 90 के दशक में लाठी में तेल पिलाने का काम करते थे। ये वही लोग हैं जो आप लोगों की नौकरी के बदले में जमीन लिखवाने का काम करते थे, और अब तो इन्होंने विधिवत तरीके से इस योजना को अंजाम देने का प्रावधान बनाना शुरू कर दिया है। इनहेरिटेंस टैक्स के माध्यम से अब विरासत पर टैक्स लगाने की सोच कांग्रेस और राजद के नेता करने जा रहे हैं। आप लोगों की जितनी जमीन है चाची, आप लोगों का जितना गहना जेवर होगा ना, कांग्रेस और राजद का लोग आएगा उसका 55% अपने खजाने में ले लेगा। ये हम लोग को याद रखने की जरूरत है कि किस तरीके से हम लोगों का थोड़ी बहुत संपत्ति जो भी अर्जित की गरीब किसान, गरीब मजदूर या महिलाओं ने, उसको भी हड़पने की सोच कांग्रेस और राजद के लोग रखते हैं। और भ्रम फैलाने का ये लोग काम करते हैं, झूठ बोलने की बात करते हैं। कभी कहेंगे संविधान खत्म हो जाएगा, कभी कहेंगे आरक्षण समाप्त हो जाएगा, तो कभी कहेंगे कि लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। ये लोग लोकतंत्र की बात करेंगे जिन्होंने सन 75 में आपातकाल लगाकर सही मायनों में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। ये लोग लोकतंत्र की चिंता कर रहे हैं। साथियों, आज मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की कर्म भूमि पर खड़ा होकर उन्हीं के संघर्षों की कसम खाकर आप सबसे वादा करके जाता हूं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, ना संविधान को कोई खतरा है, ना आरक्षण को कोई खतरा है। ये वादा आपसे मेरे प्रधानमंत्री जी भी करके जाते हैं। साथियों, जो लोग संविधान को खतरे में बताते हैं, वो आप लोगों की गरीब कल्याण योजनाओं पे नजर रखते हैं। आज मैं मेरे प्रधानमंत्री जी से भी इस मंच के माध्यम से आग्रह करूंगा कि सर, ऐसे प्रावधान बना दिए जाएं ताकि आरक्षण को लेकर उम्र भर के लिए ये बहस ही समाप्त हो जाए। संविधान की धाराओं का, कानून की धाराओं का इस्तेमाल कर जो लोग बार बार आरक्षण, संविधान को लेकर भ्रम फैलाते हैं, उसकी चर्चा ही पूरी तरीके से समाप्त कर दी जाए। ऐसे प्रावधान प्रधानमंत्री जी आने वाले दिनों में आरक्षण और संविधान को लेकर करें, ये मैं अपेक्षा रखता हूं। और अंत में साथियों, बस इतना कहूंगा कि अगर ये लोग आए तो खतरा हम लोग की गरीब कल्याण योजनाओं को है। जितनी कांग्रेस राजद के लोग हैं, आज जितने लोगों को 5-5 किलो अनाज मिलता है, एक बार हाथ उठाकर प्रधानमंत्री जी को बताएं कि आप लोगों को अनाज मिल रहा है ना? जिनको मिल रहा हाथ उठाकर बताएं। अगर कांग्रेस के लोग आए, राजद के लोग आए, तो ये लोग ये अनाज मिलना बंद करा देंगे। आयुष्मान योजना को ये लोग बंद करा देंगे, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि गरीब गरीब रहे। और दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है। आइए हम सब मिलकर प्रधानमंत्री जी के इस लक्ष्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। और एक बार अंत में जोरदार ऐसी ताली बजाइए कि हम सबको, प्रधानमंत्री जी को हम सब विश्वास दिला सके कि बिहार से 40 की 40 सीटें हम लोग प्रधानमंत्री जी को देने जा रहे हैं। जोरदार ताली से आदरणीय प्रधानमंत्री जिंदाबाद, आदरणीय प्रधानमंत्री जिंदाबाद। अंत में साथियों, पुनः मेरे पिता की इस धरती को मैं नमन करते हुए अपने पिता को एक बार फिर से इस मन से श्रद्धांजलि देता हूँ। मेरी माँ, मेरी ताकत यहाँ पर मौजूद है, एक बार उनको चरणों में भी नमन करते हुए आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे, आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, जय हिंद।